वेलकम टू पनीषा आजकल। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो जैसे आपने कार्बन क्रेडिट्स के बारे में सुना होगा, वैसे यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट्स दिए जाएंगे जो किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल को भी दिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर करेंगे। गवर्नमेंट 8 एक्टिविटीज़ डिफाइन करती है, एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़, जैसे वाटर प्रोटेक्शन है, रिसाइकल है, या फिर एफॉरेस्टेशन है। तो इनिशियली इसको लॉन्च किया गया है एफॉरेस्टेशन एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए। अगर आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए आपको कुछ क्रेडिट्स प्रोवाइड करेंगी, जिन क्रेडिट्स की कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगी। तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि सिटीजन्स के अंदर एक एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस बिहेवियर जनरेट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, जिसका नाम रखा गया है अपार कार्ड। तो अपार जो आईडी कार्ड होगा, ये आईडी कार्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी इंडिया की 2020 में, जिसमें एक टर्म यूज हुई थी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। इसका मतलब है कि जो भी आपने पढ़ाई की है, जो आपको स्कॉलरशिप्स मिले हैं, जो आपको मार्क्स मिले हैं, उसके एक पर्टिकुलर क्रेडिट्स का एक बैंक होगा। मतलब हर बच्चे की एक अलग आईडी होगी, उस आईडी में वो सारे क्रेडिट्स डाल दिए जाएंगे। कल को अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं या आप अपना स्ट्रीम चेंज करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उसके अवेलेबल क्रेडिट्स को कंसिडर किया जाएगा उन सब चीज़ों में। आगे हम बात करते हैं, सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस शुरू की है इंडिया ने, जिसका नाम रखा है नमो भारत। और जो ट्रेन है, इसको पहले बोला जा रहा था रैपिड एक्स ट्रेन। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेन है, ये दिल्ली गाजियाबाद एंड मेरठ के रास्ते के ऊपर जाने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इंटर स्टेट ये ऑपरेट करेगी। इसकी जो स्पीड होगी वो रहेगी 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। तो इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ओवरहेड लगेज रैक्स जैसे कि आपको एयरप्लेन्स में मिलते हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी, मोबाइल एंड लैपटॉप चार्जिंग आउटलेट्स। तो एक काफ़ी अच्छे लेवल की ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी दो स्टेट्स के बीच में। ये पहला हुआ है इंडिया में, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। इसका नाम हमने याद रखना है भारत नमो एंड रैपिड एक्स। आगे हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। उन्होंने एक नई स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को अपॉइंट किया है। तो ये तीन उनके वहाँ पर टाइगर रिजर्व्स हैं जिनके नाम रहेंगे नामदफा, पक्के एंड कमलांग। इन तीनों में फोर्सेस अपॉइंट की जाएंगी, जिसमें 140-150 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली पर्सन का एक ग्रुप होगा, जिनका टास्क ये होगा कि हमने टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है, टाइगर्स की लाइफ को, उनके हैबिटेट को, उनको क्लैशेस से, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करना ही काम रहेगा। तो एक तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, दूसरी चीज़ ये होगी कि टाइगर्स के लिए जो कॉन्शियसनेस है स्टेट की वो और बढ़ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू रीसेंट डाटा, अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 9 ही टाइगर्स हैं, लेकिन उनके कंजर्वेशन के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको इस साल 50 साल पूरे हो गए हैं, वो शुरू हुआ था 1973 में फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया। तो एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश में एट प्रेजेंट देखने को मिलती है, सेकेंड नंबर पर आता है कर्नाटका, थर्ड नंबर पर आता है उत्तराखंड। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपने प्रोजेक्ट टाइगर के रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दैट इज आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर पहली बार बी आर अम्बेडकर जी का इतना बड़ा स्टैचू बनाया गया है। वॉशिंगटन का एक एरिया है मैरीलैंड, जिस एरिया में ये स्टैचू जिसको सिचुएट किया गया है। तो ये जो है स्टैचू, इट वॉज क्राफ्टेड बाय राम सूतर। तो आपको याद होगा कि इंडिया में भी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू गुजरात में बनाया गया, तो वो भी इन्होंने ही स्कल्प्ट किया था। ये जो स्टैचू है, इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमेशा इक्वालिटी के बारे में बात की है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त उन्होंने हमेशा इक्वल राइट्स की बात करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम दो और स्टैचूज के बारे में बात करेंगे, जिनको वियतनाम में अनवील किया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने। पहला है स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी जी, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इंडिया और वियतनाम का स्पिरिचुअल एंड कल्चरल बहुत सारी कनेक्टिविटी है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉमन आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस इनिशिएटिव को लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी बोथ इन वियतनाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन बीम डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसको इसराइल ने अभी रिसेंटली टेस्ट फायर किया है।
तो जी ये जो सिस्टम है इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल के थ्रू भी चलाया जा सकता है और इसका 7 किलोमीटर का रेंज रहेगा। तो इसराइल का आपको पता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है जिसको पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। तो एक बहुत ही फेमस नाम है उनके डिफेंस सिस्टम का आयरन डोम, और उसी के साथ एरो 2 एरो 3 डेविड स्लिंग, उसी में एक नया एडिशन आयरन बीम को भी दे दिया गया है। तो इसराइल और जो पैलेस्टीन अभी वॉर चल रही है, जो कंडीशन चल रही है, उसमें इसराइल का ऐसे वेपन्स को टेस्ट करना, अपने डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक चीज़ प्रूव हो सकती है। आगे हम बात करेंगे, जापान बन गया है दुनिया का ऐसा पहला देश जिसने एक रेल गन नाम की एक टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। तो इसमें कोई भी एक्सप्लोजन यूज़ नहीं होता है, छोटे छोटे स्टील के ये बॉल्स को यूज़ करता है, बुलेट्स को यूज़ करता है, सिर्फ उसकी स्पीड को यूज़ करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को यूज़ करके और उसके फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके, जितनी फ्रीक्वेंसी से वो उसमें से निकलती हैं, अगर एयर में कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट जा रहा होगा, मिसाइल होगी, कुछ भी होगा, तो ये रेलगन से निकलने वाले जो बुलेट्स होंगे वो उसको डिसमेंटल कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी डिटेल जो है वो हम देख लें, तो इसमें से 320 ग्राम के 40 mm उनकी जो साइज होगा दैट विल बी 40 mm, और उसकी जो स्पीड रहेगी दैट इज मार्वेलस, 2 to 30 meters per second। इतनी स्पीड से कुछ ऐसी फॉर्मेशन में छोटे छोटे राउंड्स निकलेंगे, जब वो जाकर किसी भी चीज़ को हिट करेंगे तो उस चीज़ को 100% डिसमेंटल कर देंगे। तो ये टेक्नोलॉजी पहली बार दुनिया में जापान लेकर आया है। तो सर आगे हम बात करेंगे MSP के बारे में, जो कि रबी क्रॉप, जो हमारी रबी क्रॉप होती है उसको विंटर्स में सो किया जाता है और उसकी हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल में जाकर। तो उसका अभी गवर्नमेंट ने अगले मार्केटिंग सीज़न के लिए प्राइस बढ़ाया है। दो चीज़ों का प्राइस है जो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। पहला है हमारा मेजर रबी क्रॉप वीट, वीट का जो MSP है वो 150 rupees से इंक्रीज़ किया है, और जो दूसरा है आपका वो है मसूर की दाल, तो उसका जो रेट है MSP सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है अमंग ऑल द थिंग्स दैट इज इंक्रीज 425। तो ये दोनों चीज़ें हमने याद रखनी है गवर्नमेंट फार्मर्स को प्रॉपर कंपनसेशन देने के लिए, उनके लिए उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अपॉइंटमेंट के बारे में, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एट IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इस वक्त इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बनी हुई है, क्योंकि इंडिया इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, चाहे वो सोलर है, विंड है, हाइड्रोजन है, कुछ भी है। तो उसके चलते इनके यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है, BK मोहंती नाम है जिनको अपॉइंट किया गया है IREDA के डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल डेयरी बोर्ड में हमारे जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको इंटरनेशनल जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसमें अपॉइंट कर दिया गया है। इनका नाम है डॉक्टर मिनीश शाह, ही हैज़ बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। दो चीज़ें याद रखनी है, इंडिया का जो नेशनल बोर्ड है डेयरी के लिए उसके ये ऑलरेडी डायरेक्टर हैं, और इन्हीं को इंटरनेशनल जो बॉडी है रिलेटेड टू डेयरी उसका भी मेंबर अपॉइंट कर दिया गया है। इनका नाम है मिनीशा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दो गवर्नर जिनको ओडिशा एंड त्रिपुरा भी रिसेंटली अपॉइंट किया है। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट इंडिया में कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंटमेंट किया है ओडिशा के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम है रघुबर दास। तो किसी भी स्टेट का जो स्टैटिक पॉइंट होता है उसमें एक उसकी कैपिटल, उसके नेशनल पार्क्स, उसका चीफ मिनिस्टर, उसका गवर्नर, ये सारी चीज़ें हमने याद रखनी होती है। तो ओडिशा के जो नए गवर्नर हैं वो होंगे रघुबर दास, और जो तेलंगाना है, जो त्रिपुरा है, उसके जो नए गवर्नर होंगे वो होंगे नल्लू इंद्र सेना रेड्डी। तो पहले से भी ये हमेशा से पॉलिटिक्स में कुछ एक्टिव लोग ही होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है, और उनको कभी भी इनके रीजन में अपॉइंट नहीं किया जाता, हमेशा किसी और रीजन में ही अपॉइंट किया जाता है एक्सेप्ट द बर्थ प्लेस। तो ये जो दोनों लीडर्स हैं जो हमारे रघुबर दास हैं ये झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, नल्लू इंद्र सेन रेड्डी जो हैं ये आपके तेलंगाना के एक प्रोमिनेंट BJP लीडर रह चुके हैं। तो तेलंगाना से उनको अपॉइंट किया है त्रिपुरा में, और छत्तीस झारखंड से उनको अपॉइंट किया है उड़ीसा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसने बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का एक डिक्लेरेशन दिया है
जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड विलेजेस आते हैं. इंडिया के 5 विलेज आए हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. इंडिया का सबसे पहला विलेज जो इसमें आया है उसका नाम है ढोरदो विलेज. ये गुजरात में पड़ता है. आपने रन ऑफ कच्छ का एरिया सुना होगा. वहाँ पर हर साल एक फेस्टिवल लगता है जिसको रन उत्सव कहते हैं. वो फेस्टिवल इस विलेज में लगता है जिसके लिए बहुत ही फेमस विलेज है. दूसरा है पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज नवा पिंड सरदारम. तेलंगाना का एक विलेज है पोचमपल्ली. रेक एक विलेज है मिजोराम का. एंड गुरेज द्वार फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. तो ये नाम आपको पता होने चाहिए और इनकी स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन से एरिया से कौन सी स्टेट से ये बिलोंग करते हैं. आगे बात करते हैं जीना मासा अमीनी. ईरान में आपको पता होगा कि अभी एक्सट्रीमिज्म और सप्रेशन चल रहा है रिलेटेड टू वुमेन राइट्स. बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है. पिछले साल ये पिक्चर थी एक जो बहुत वायरल हुई थी, एक 22 साल की लड़की जो ईरान में बाहर चली गई थी बिना हिजाब पहने. उसको पुलिस ने अरेस्ट किया. 3 दिन वो अरेस्ट में रहती है और उसके बाद उसकी लाश ही घर वापस आती है, उसकी डेथ हो जाती है. उसके बाद ईरान में वुमेन प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया था. वुमेन प्रोटेस्ट मूवमेंट का नाम है वुमेन लाइफ फ्रीडम. तो मासा अमीनी एंड इस मूवमेंट दोनों को एक अवार्ड मिला है इस साल. यूरोपियन यूनियन का साखरोफ प्राइज 2023. इसमें प्राइज मनी दी जाती है यूरोपियन डॉलर्स. इसमें यूरोस दिए जाते हैं 50,000 यूरोस. तो पिछले साल से अब तक भी वो प्रोटेस्ट चल रहा है. वुमेन को कॉलेज जाना, स्कूल्स जाना, मेकअप करना, फैशनेबल कपड़े पहनना सब कुछ बैन कर दिया गया है. तो उस फ्रीडम के लिए जो जंग चल रही है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड दिया गया है. आगे हम बात करते हैं एक रीसेंट जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट जो थोड़ी थोड़ी देर बाद गवर्नमेंट निकालती रहती है. इसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट में एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली है कि जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ गया है 37% तक. अब इसका कंपैरिजन अगर हम करें तो ये बोला जा रहा है कि पिछली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4.2% पॉइंट्स हमें इंक्रीज देखने को मिला है, बढ़ के अब वो 37% हो गया. दूसरी चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंडिया में कम हो गया है. अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल अप्रैल टू जून में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था दैट वॉज 7.6%. इस साल अगर अप्रैल टू जून कंपेयर करें तो वो 6.6% पे आ गया है. तो दोनों चीज़ों में हमारे पास पॉजिटिव रिपोर्ट है. वुमेन पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवरऑल कम हुआ है. नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, जिसको कौन रिलीज करता है, मर्कर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स इसका नाम है. और इसका 15th एनुअल पब्लिकेशन अभी रिसेंटली हुआ है जिसमें नीदरलैंड आया है नंबर 1 के ऊपर, आइसलैंड, डेनमार्क. हमेशा टॉप में आपको यूरोपियन कंट्रीज ही देखने को मिलेंगी इसमें. इंडिया का जो रैंक है वो हमेशा इसमें खराबी रहा है, दैट इज 45th आउट ऑफ 47 दिस ईयर. आगे बात करेंगे हम चेस के बारे में. हमारे एक प्लेयर हैं कार्तिकेयन मुरली, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन के साथ उनका एक मैच हुआ था कतर मास्टर्स नाम का एक चैम्पियनशिप हुई थी, वो जीत ली है. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए. 24 ईयर ओल्ड ये इंडियन हमारे चेस चैम्पियन हैं. ग्रैंड मास्टर टाइटल इनको ऑलरेडी मिला हुआ है. मैग्नस कार्लसन आपको पता होगा इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर आते हैं चेस की कैटेगरी में. तो उनको हराकर हमारे एक इंडियन प्लेयर ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है. तो नाम इनका याद रखना है और कतर जहाँ पर ये मैच हुआ था वो हमने याद रखना है. नेक्स्ट बात करेंगे 16 अक्टूबर जिसको वर्ल्ड फूड डे के तौर पर मनाते हैं. बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. वो बॉडी 16 अक्टूबर 1945 को बनी थी. तो उसका काम क्या है कि दुनिया में इंश्योर करना कि फूड सिक्योरिटी रहे और लोगों को खाना मिले. तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जिस दिन भी इनॉग्रेशन डे होता है उसको हम वर्ल्ड फूड डे के ऊपर मनाते हैं. इस साल हमारा जो थीम था That was around water. तो थीम हमने रखा था water is life, water is food, leave no one behind. क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हो सकती है. तो FAO का ओरिजिनेटिंग ईयर है ये, ओरिजिनेटिंग डे है ये, वो याद रखना है हमने. और दूसरा इसकी थीम याद रखनी है. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उनका नाम है MS गिल, मनोहर सिंह गिल पूरा नाम है.
चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के बहुत प्रोमिनेंट टाइम पीरियड में 1996 से लेकर 2001 तक, जब इंडिया में ईवीएम मशीन्स लॉन्च हुई थी उस टाइम पीरियड में ईवीएम मशीन्स इंडिया में लॉन्च करने का काम इन्होंने किया था, बहुत सारे इलेक्शंस इंडिया में कराए हैं. सो रिसेंटली ही पास्ड अवे, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ओबिचुरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर सिलेबस. तो कोई भी ऐसा फेमस हमारा इंडिविजुअल जिसने कोई प्रोमिनेंट पोजीशन हेल्ड करी है तो हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है. तो ये थे आपके करंट अफेयर्स फॉर थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर. बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर. पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है. Comprehensive coverage of all the subjects through quality video lectures. है aptitude का topic, that is blood relation, uncle's only daughter. He took the throne. तो जो throne पे emperor बैठते थे वो अपने साथ ले गए. कोहिनूर diamond, the world famous कोहिनूर diamond, वो भी मुगल treasury से ले गए. फिर आया economic pragmatism, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं. जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं. PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स. सो जॉइन पनेशिया ट्यूटर फॉर योर सक्सेसफुल एंड ब्राइट फ्यूचर.